ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा स्कंद, तीसरा अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से यह बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीव का क्या हाल होता है। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सेवा अच्छा कुछ काम नहीं करते, उन्हें मनुष्यों की वह गति होती है। फिर वे पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है, पर वह लोग काने, कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप व दरिद्री होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिमान, धनी पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगकर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं रहता, वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोगता है। हे माता, यह जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता का, बिल्ली या शुकर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा करता है और प्रसन्न रहता है। उसका मन परमेश्वर की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वह तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण तीन तरह के स्वभाव होते हैं। जैसे रजोगुण अधिक रहता है, वह राजसी कर्म करके सत्यलोक जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ा रहता है, और सत्वगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुंच जाते हैं। हे माता, सब जीवों की गति तीन तरह की जानकर जप, तप व दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी व सात्विकी समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसी बात में उसका मन लगता और वह वैसा ही कर्म करता है। वह जीव अपने स्वभाव अनुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है और आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं से पानी भरने के लिए एक रहट चरखी का बनाकर उसमें मोतियों का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उस रहट को घुमाते हैं, तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह इस जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो भोगने के उपरांत दूसरे शरीर में जाता है, और जिस तन में जैसा कर्म रहता है उसी के अनुसार उसका चोला पाता है। यह बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार से किसी तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, विनय प्रयोजन, अधिक न बकना, बुद्धि को नष्ट न करना, कुसंगति, बुरे कर्मों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर दे उस पर संतोष करना, किसी को पास द्रव्य देख कर डाह न करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अयश किसी बात का न लेना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म से कमाई करके अपना काल क्षेप करना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख न देना, पर नारी से प्रसंग न करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर न करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करने में आगवागमन से छूट कर भवसागर पार उतर जाएंगे, पर ये सब गुण बिना सत्संग किए व कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बहुत उचित है। जितना उनका सत्संग करें, उतना अधिक गुण उसको हो। अधर्मी लोगों की संगति करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उसमें होगा तो वह भी जीता जाता रहेगा। संसार में परस्त्रीगामी, जुआरी, लोभी, चोर, मद्यप, चुगल, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले, जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी ना करनी चाहिए। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग परस्त्री से प्रसंग करते हैं, उनका ज्ञान और धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी
अकेले में ना बैठना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह का नहीं रहता। कामदेव का मद ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हरकर उसमें बहुत पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी जो संपूर्ण संसार और चार वेदों के उत्पन्न करने वाले हैं, वेद के अनुसार धर्म व अधर्म का विचार कर रखते हैं, सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे। परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरता देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से भोग करने चले, तब वह धर्म रूपी कन्या उनका यह हाल देखकर बहुत लज्जित हुई और हरणी का रूप धारण करके वहाँ से भागी। वहाँ भी हरण का रूप कर उसके पीछे दौड़े। उस समय सनकादिक उनके बेटों ने, जो परमेश्वर का अवतार है, वहां आकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा के ग्राम प्राप्त होने से अति लज्जित होकर अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, जब ब्रह्मा जी की यह दशा हुई जिनसे ऋषिश्वर मुनि प्रजापति आदि सब संसारी जीव उत्पन्न है, तो संसारी जीव जो सदा अज्ञान से भरे रहते हैं उनकी क्या सामर्थ्य है जो कामदेव के बेग को रोक सके। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते, घास और तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है, तब योगी और ऋषिश्वर आदि किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता। मेरी माया दो रूपों से, एक जड़ रूप, दूसरा चैतन्य रूप, स्त्री संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपट कर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूप माया नहीं छोड़ती। उसके मुँह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है, उसका उत्तर यह देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से प्रवीण जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हरण आदि वन चर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व स्मरण, जो सदैव के लिए सुख की खानी है, छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी जाल में फंसकर बहुत दुख पाकर पीछे पछताते हैं। इति श्री 31वां अध्याय समाप्त।